और सीधा रुख करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पे मैंने जिक्र किया, मेरे घर पे जो हमला किया गया और 150-200 गुंडे भारतीय जनता पार्टी के आए और भारतीय जनता पार्टी ने नाकायदा ना केवल बाकायदा उनको प्रोटेक्ट किया बल्कि उनका सम्मान भी किया। इसी तरह से अभी थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी जी बीजेपी के कुछ गुंडों के साथ, करीब 200 गुंडों के साथ जल बोर्ड के UGR में घुस गए थे, जहां लोगों के पीने का पानी, जहां से सप्लाई होता है, जहां हमें आपके और हमारे घरों के लिए पीने का पानी आता है, जहां से वो बहुत प्रोटेक्टेड एरिया होता है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, कहीं कुछ भी गंदी चीज़ मिलाई जा सकती है, कोई भी गड़बड़ चीज़ मिलाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडागिरी करते हुए अपने 200 गुंडों के साथ में मनोज तिवारी वहां पे घुस गए थे, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने कभी उसको गलत नहीं माना बल्कि हमेशा सही ठहराया। इसके पहले भी एक बार जल बोर्ड में झंडेवालान के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके गुंडे पूरी तरह से करीब 100 गुंडों के साथ में झंडेवालान के DJP के हेडक्वार्टर में जाके, दिल्ली जल बोर्ड के हेडक्वार्टर में जाके हमला कर चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने रिसेप्शन को तोड़ा, वहाँ के कंप्यूटर प्रिंटर, वहाँ की बेंचेस को तोड़ा, वहाँ के स्टाफ पे हमला किया, वहाँ पे महिलाओं के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने बदतमीजी की थी वहाँ पे। और सिर्फ दिल्ली में नहीं है, देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान एक गुंडों वाली पार्टी की बन गई है, लफंगों वाली पार्टी की बन गई है, बदमाशी करने वाली पार्टी की बन गई है, ये सब जगह दिखाई दे रहा है। उन्नाव रेप केस आप सब ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के MLA कुलदीप सिंह सेंगर 17 साल की लड़की का रेप करने के आरोप में कन्विक्टेड ठहराए गए, और ना सिर्फ उनको कन्विक्टेड ठहराया गया बल्कि लड़की के पिता की हत्या करने का भी उनके ऊपर आरोप चला, उसको भी उन जुडिशियल कस्टडी में उसकी हत्या करवाने का भी उनके ऊपर मुकदमा चला। गुजरात गैंग रेप केस हमने सबने सुना कि किस तरह से कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के 4 लोकल लीडर्स ने महिलाओं को, लड़कियों को वहाँ प्रोस्टिट्यूशन में धकेला, 24 साल की महिला का गैंगरेप किया, वहाँ पे बाकायदा इन सब के खिलाफ नामदर्ज FIR हो चुकी है इस मामले में भी, जहाँ गुजरात में कच्छ का जो बीजेपी के नेताओं ने गैंगरेप किया था। साक्षी महाराज के बारे में आप सब जानते हैं कि उनके ऊपर मर्डर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रॉबरी, डकैती, फॉर्जरी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सब तरह के केस चल रहे हैं। और ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनके हत्या का उनके ऊपर आरोप भी है। स्वामी चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता, इनके बारे में भी आप जानते हैं, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश से MP रहे हैं, इन्होंने भी, इनके ऊपर भी आरोप था कि इन्होंने किस तरह से जो ये कॉलेज चलाते हैं वहाँ की लड़कियों को सेक्स रैकेट में धकेलने की पूरी कोशिश की थी, और उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं, इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका था बीच में। हरक सिंह रावत के बारे में आप सब जानते हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का भी चेहरा है कि किस तरह से 32 साल की एक महिला ने इनके ऊपर रेप और हेरेसमेंट का आरोप लगाया था, इनके ऊपर FIR हुई थी और इनके ऊपर मोलेस्टिंग के मामले में FIR हुई थी। छतर सिंह दरबार मध्य प्रदेश से MP हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा चेहरा है भारतीय। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।